लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले दो बच्चियों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चियों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ, बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सैनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं।